सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आज हम लोग बात करने वाले हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। जब कक्षा विद्यार्थी कमरे में चक्कर लगा रही थी, तो मॉनिटर प्राचार्य के ऑफिस से मिस मैसन को एक नोट ला कर दिया। मैसन ने इसको कई बार विचार पूर्वक पढ़ा, फिर उसने ताली बजाई। सावधान क्लास विद्यार्थी, प्रत्येक लोग वापस अपनी सीट पर जाओ। जब पैरों के चलने की आवाज बंद हुई और कमरे में एक बार फिर से चुप्पी छा गई, तो मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र है जिसको मैं तुम सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन वहाँ एक पल खड़ी रही और कमरे की चुप्पी में आशापूर्ण तनाव आ गया। अध्यापक ने अपना चश्मा धीरे से जानबूझकर ठीक किया। उनका ध्यान जो कुछ होने जा रहा तथा उसका संकेत करता था वांडा के पिता का यह पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही मिस मैसन ने यह संक्षिप्त नोट पढ़ा, सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रिय अध्यापक, मेरी वांडा अब और आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक भी नहीं, अब हम एक बड़े शहर में जाएंगे। अब और चिल्ला कर कोई नहीं बोलेगा। पोलाक पोलाक पोलैंड के लोगों के लिए प्रयोग किया गया भद्दा शब्द, और अब नहीं पूछा जाएगा कि इतना मजाकिया नाम क्यों। बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत होते हैं। आपका गेम पेट्रोल्स की। इस पत्र के बाद पूरे क्लास में एक गहरी चुप्पी छा गई। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पर फूंक मारी और अपने मुलायम सफेद रुमाल से पोंछा। फिर उसने उनको दोबारा पहना और कक्षा की तरफ देखा। जब वो बोली तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब से रूम नंबर 13 के लड़के लड़कियों में से कोई भी जानबूझकर चालाकी से किसी के भी भावनाओं को आहत नहीं करेगा कि उसका नाम लंबा और अनजान है। मैं यह सोचती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली और उदास करने वाली घटना घटित हुई है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैनी ने अपना पाठ तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपना दिमाग अपने कार्य पर नहीं लगा सकी। उसके अंदर अत्यंत बीमार भावना थी। सच में उसे पेही द्वारा वांडा से यह पूछने में कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाक थी में कभी आनंद नहीं आया था, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं था। वह चुपचाप खड़ी रहती थी, और वह भी उतना ही बुरा था जो पेही कर चुकी थी। उससे भी ज्यादा बेकार वह एक जर्दोश थी। कम से कम पेही तो ऐसा नहीं समझती थी कि वह घटिया बन रही थी। लेकिन मैडी ने सोचा था कि वह गलत कर रही थी, वह खुद को वांडा जैसी स्थिति में डाल सकती थी। अच्छा हो, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी। यदि केवल वह वांडा को बता पाती कि उसका मतलब उसकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। वह मुड़ी और छिपकर एक दृष्टि पेगी पर डाली, लेकिन पेगी ने नहीं देखा। वह काफी मेहनत से पढ़ाई करते हुए दिखाई दी। ठीक है, चाहे पेगी ने बुरा महसूस किया या नहीं, उसे मैडी को अवश्य कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसे वांडा पेट्रोल्सकी को खोजना पड़ेगा। हो सकता है कि वह अभी दूर नहीं गई होगी। हो सकता है कि पेगी भी उसके साथ मैरी के साथ हाइट्स पर चलेगी और देवांडा को बताएंगे कि उसने मुकाबला जीत लिया था, कि वे सोचते थे कि वह सुंदर थी और एक सौ पोशाकें सुंदर थी। जब स्कूल दोपहर को समाप्त हुआ, तो पेगी ने झूठी साधारणता के साथ कहा, चलो देखते हैं कि वह बच्ची कस्बे से जा चुकी है या नहीं। पेगी का भी यही विचार था। मैरी चमकी। पेगी वास्तव में सही थी। दोनों लड़कियां बिल्डिंग से गली में से बोगिंस हाइट की तरफ बाहर भागी, जो एक ऐसी बूंदा बांदी वाली गीली और नीरस जगह थी जहां इस प्रकार नवंबर की दोपहर को जाना मना था। पेगी ने कठोरता से कहा, ठीक है, कम से कम मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा और उसके नाम का भी मजाक नहीं उड़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने सोचा कि वह इतनी बहरी है, अर्थात अनसुना करने वाली है, और आगे बढ़ो, देखते हैं वह कैसे ड्रॉ कर सकती है। मैं भी कुछ नहीं कह सकती थी। जो कुछ उसे आशा था वो था कि वे वांडा को खोज लेंगे। वह उसको बताना चाहती थी कि उसे अफसोस था कि उन्होंने उसको चुना, अर्थात अने को। मैं उसे ही हंसी का पात्र बनाया, और कैसे सारा स्कूल उसको अद्भुत समझता था और कहेंगे कि कृपया दूर मत जाओ, अब सभी तुम्हारे प्रति अच्छे होंगे। वह और पेगी सभी से लड़ेंगे जो अच्छे नहीं होंगे। दोनों लड़कियों गौरी वे आशा करती थी कि अंधेरा होने से पहले वे हाइट पर पहुंच जाएंगी। मैनी ने एक छोटे से सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे विचार से पेट्रोल्स की परिवार वहाँ है। पुरानी घास के तिनके यहाँ चिपके थे और वहाँ रास्ते पतली बिल्ली के जैसे थे, अर्थात बहुत सैन करे थे घर, और इसके पास का पुराना ओवन साफ दिख रहा था। यह मैनी को वांडा की एक पोशाक की याद दिलाता था, उसकी पीठी पर चुकी सूती पोशाक, पुरानी साफ। घर में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। पेगी ने आत्मविश्वास के साथ दरवाजा खटखटाया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला।
वह और मैं भी पीछे के आंगन से जाकर वहां से दरवाजा खटखटाया। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं था, पेट्रोल्स भी चले गए थे। वे मैडी और पैगी कैसे क्षमा मांग सकते थे। वे धीरे से मुड़े और पहाड़ी से वापस आने का रास्ता पकड़ा। पैगी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब वह जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं उससे उसकी पोशाकों के बारे में पूछती थी तो संभवतः वह अपनी ड्रॉइंग्स ही समझ रही होगी, अन्यथा वह मुकाबला भी नहीं जीत पाती। वैडी ने यह विचार अपने ही मन में सावधानी से सोचा, क्योंकि यदि इसमें कुछ होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता। परंतु उस रात वह सो नहीं पाई। उसने वांडा और उसकी पुरानी नीली पोशाक के बारे में और उस छोटे घर के बारे में सोचा जिसमें वह रहती थी, और उसने उन पोशाकों की 100 तस्वीरों के में सोचा सभी कक्षा में कतार में लगी हुई थी। अंत में मैं भी बिस्तर पर बैठ गई और अपने ललाट को अपने हाथों से दबाया और वास्तव में सोचा। यह उसकी आज तक की सबसे कठिन सोच थी। काफी समय के बाद यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। वह दोबारा समर्थन करने और कुछ नहीं कहने जा रही थी। यदि उसने दोबारा कभी किसी को किसी के मजाकिया दिखने या उनके विचित्र नामों की वजह से मजाक उड़ाया तो वह उसके विरोध में आवाज उठाएगी, चाहे बेशक पैगी से दोस्ती भी क्यों न टूट जाए। उसके पास वांडा से बात करने का कोई जरिया नहीं था, परंतु अब से वह किसी को भी उदास नहीं करेगी। शनिवार को मैं भी दोपहर पैगी के साथ बिताए। वे वांडा पेट्रोल्सकी को एक पत्र लिख रही थी। यह बस एक दोस्ती भरा पत्र था, मुकाबले के बारे में बताते हुए और वांडा को यह बताने के लिए कि वह जीत चुकी थी। उन्होंने उसको बताया कि उसकी ड्रॉइंग्स कितनी सुंदर थी, और उन्होंने उससे पूछा कि क्या अब वह जहाँ रह रही है वहाँ क्या वह अपने नए टीचर को पसंद करती है। उनके कहने का मतलब क्षमा मांगना था, लेकिन यह पत्र एक दोस्ती के पत्र में ही समाप्त हो गया। इस प्रकार का पत्र जैसा कि वे किसी अच्छे दोस्त के पास लिखती, और उन्होंने इस पर बहुत सारे प्यार भरे शब्दों के साथ हस्ताक्षर किए। उन्होंने लिफाफे पर प्लीज फॉरवर्ड लिखते हुए पत्र को बोगिंस हाइट के पते पर डाल दिया। कई दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया, और पत्र भी वापस नहीं आया। शायद वांडा इसको प्राप्त कर चुकी थी। शायद वह इतनी दुखी और गुस्से में थी कि वह उत्तर नहीं देगी। आप उसको दोष नहीं दे सकते। सप्ताह बीत गए और वांडा ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। पैगी ने इस सारी घटना को भूलना शुरू कर दिया था, और मैं भी रात को वांडा के बारे में रोती हुई सोती थी, उसको लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए जो उसको चुराने का प्रयास कर रही थी। तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं? और इससे पहले कि वांडा अपने होठों की शक्ति से बंद कर पाती, जिस तरह वह उत्तर देने से करती थी, मैं भी चीखती हूँ। तब हर कोई उसकी तरह शर्म महसूस करेगा। अब क्रिसमस आ गई थी और मैदान पर बर्फ गिरी हुई थी। क्रिसमस की घंटियां और एक छोटा पेड़ कक्षा को सजा रहे थे। छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उन्हें उसी सुबह प्राप्त हुआ था। तुम्हें वांडा पेट्रोल्सकी याद है, वह प्रतिभावान आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था? ठीक है, उसने मुझे लिखा है, और मैं यह जानकर खुश हूँ कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसके पास मेडल भेज सकती हूँ। मैं उसके पत्र को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। कक्षा अचानक रुचि लेकर बैठ गई और ध्यान से सुना। प्रिय मिस मैसन, आप और कमरा नंबर 13 के छात्र कैसे हैं? कृपया लड़कियों को बता दीजिए कि वे 100 पोशाकें रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई पोशाकें और हैं, सभी मेरी अलमारी में कतार से रखी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि पैगी लाल झाला वाली हरी पोशाक को रखे और उसकी दोस्त मैडी नीली वाली पोशाक रखे। क्रिसमस के लिए मैं उस स्कूल को याद करती हूँ, और मेरी नई टीचर आप जैसी नहीं है। आपको और सभी लोगों को क्रिसमस मुबारक। आपकी शिष्या वांडा पेट्रोल्सकी। घर आते समय मैगी और पैगी रास्ते में अपनी तस्वीरों को बड़े ध्यान से पकड़ी हुई थी। सभी घरों की खिड़कियों में फूलों की मालाएं और क्रिसमस के वृक्ष थे। किराना के दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस के वृक्ष रखे थे, और खिड़की में कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स थी, और पारदर्शी कागज के चमकदार सजावट करने की टोकरियां भी थी। हवा में क्रिसमस जैसी खुशबू थी, और सभी जगह चमकती हुई रोशनी बर्फ में से विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित करती थी। पैगी ने कहा, मैडी इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें चाहती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया था, और उसका यह सब कहने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है और यही है। मैडी ने उदासी से कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। उसे उदासी महसूस हुई क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस टाइट होंठों वाली पोलिश लड़की को पुनः नहीं देखेगी, और कभी भी उनके बीच समझौता नहीं हो सकेगा। वह घर गई और उसने उसके चित्र को बेडरूम की दीवार पर वहां लगा दी जहां से गुलाबी फूलों वाला पेपर फटा हुआ था। पुराना कमरा रंगों की चमक से जीवंत हो उठा था। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और तस्वीर को देखा। वह खड़ी रही और कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई बात नहीं, वांडा उसके प्रति अच्छी रही थी।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक लंबे समय तक तस्वीर को देखा, फिर जल्दी से आंसू पोंछे और इसको ध्यान से पढ़ा। पोशाक के अंदर रंग इतने साफ थे कि उसे चेहरा और सिर बिरला ही नजर आ रहा था, लेकिन यह मैरी जैसा लग रहा था। इसका मुंह ठीक उसी के जैसा लग रहा था। वह उसको खुद के जैसा क्यों लग रहा था? वांडा ने वास्तव में इसे उसके लिए बनाया था। उत्तेजना से उसने पैगी वाली चित्र को याद किया। पैगी, उसने कहा, मुझे अपना चित्र देखने दो। क्या बात है? पैगी ने पूछा, जब वे उसके कमरे तक गई जहाँ वांडा की तस्वीर बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी। मैरी ने सावधानी से इसे उठाया। देख दो, उसने तुम्हें बनाया है चित्र में, यह तुम हो। उसे आश्चर्य हुआ और इस चित्र में सिर और चेहरा पैगी जैसा दिखता था। मैंने क्या कहा? पैगी ने कहा, वह वास्तव में हमें पसंद करती थी, चाहे कुछ भी हो। हाँ, वह जरूर करती होगी। मैरी सहमत हुई और उसने आंसुओं को पलक झपका कर दूर किया जो वांडा को याद करके उसकी आंखों में आ रहे थे, जब वह स्कूल में सबके चले जाने के बाद उस पर हंसती हुई लड़कियों को देखती हुई धूप में अकेली खड़ी रहती थी और उसको यह कहकर अवश्य ही 100 पोशाकें सभी कतार में लड़कियाँ हंस रही होती थी। और कहानी यहीं पर खत्म होती है, मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।